जहां 15 जून 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों को करने का दावा किया था, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है 4.5 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी बीसलपुर की सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। इस वक्त हम एक सड़क पर मौजूद हैं, ये बीसलपुर से चौसरा को जाने वाला मार्ग बताया जाता है। इससे प्रतिदिन हजारों राहगीर गुजरते हैं। कई गांव को जोड़ने वाला ये मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। मार्ग की हालत हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह मार्ग में गहरे गहरे गड्ढे हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो बजरी है वो उखड़ चुकी है, कुलतार छूट चुका है। सड़क की हालत बेहद दयनीय बन चुकी है। आपको बता दें इस सड़क से प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम शरण वर्मा होकर गुजरते हैं। वहीं इसके साथ ही लाखों जनता प्रतिदिन इस मार्ग पर परेशान होती है। आपको बता दें इस मार्ग का अभी तक कोई पुरसा हाल ना हो पाने की वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया है। साथ एक राहगीर मौजूद है जो प्रतिदिन इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। उनसे हम जानेंगे कैसे ये मार्ग कब से खराब है। इसे कम से कम देखा जाए कि बरसात हुई थी तो काफी पानी भरा था इस पे, तो इस पे कई लोग निकले। लोगों ने बोला इसके लिए कोई देखने के लिए तैयारी नहीं है। कितना समय हो गया होगा लगभग ये मार्ग जर्जर हालत में पड़ा? इसके करीब होने जा रहा होगा 7-8 महीने होने जा रहा है। इलेक्शन से पहले भी हो रहा था, काफी दिन हो गए इसके लिए। तो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, इस बार गड्ढा मुक्त का दावा किया था? सभी लोग कह रहे हैं गड्ढा मुक्त कहीं नहीं दिख रहा, गड्ढा मुक्त तो है ही नहीं अपने। तो देखा लोगों ने बताया कहीं ना कहीं तक गड्ढा मुक्त सरकार का दावा फेल होता दिखाई दे रहा है।